हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं मारुति सुजुकी इनविक्टो और ये है इसका बेस मॉडल। जिस कैटेगरी में है, जिस सेगमेंट में है, उसमें बेस मॉडल हो टॉप मॉडल हो आपको बाहर से देखने में पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही इसमें भी कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा। सबसे पहले जब बेस मॉडल की बात आ जाती है तो सामने आती है उसकी कीमत। कीमत है इसकी 24,82,000 रुपये एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में हल्द्वानी में। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग 28,82,000 रुपए की। ये तो हो गई इसकी कीमत, लेकिन असली चीज़ है इसमें फीचर क्या क्या मिल रहे हैं। केवल एक बड़ा साइज ही कंपनी दे दे रही है या फिर और भी कुछ चीज़ है? तो भाई सीधी बात है, सबको पता है जो टोयोटा के साथ कोलैब है मारुति का, उसी में उनके पास गई है अपनी जो इसकी हाई क्रॉस आती है वो, और इनके पास है इनविक्टो। तो किसी को भी अगर ये लग रहा है कि भाई मारुति की बैजिंग है, ये क्वालिटी हल्की है, जब बहुत लोगों का परसेप्शन है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ की गाड़ी वहाँ जाती है, वैसे ही वहाँ की गाड़ी यहाँ पर है। इसमें अच्छी चीज़ ये है, आपको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये ये उनके कंपेरिजन में कम में मिलेगी। और दूसरी चीज़, आपको 2 साल 2.5 साल वेटिंग या फिर 2 लाख 2.5 लाख रुपये ऊपर से नहीं देने पड़ेंगे। सबसे बढ़िया चीज़ यह है, और बाकी मज़े तो पूरे वही हैं। एक एक करके सारी चीज़ बताऊँगा। फिलहाल बात करें इसके जायंट लुक की, तो ये है कुछ सामने से, बिल्कुल प्रोफेशनल वाली गाड़ी दिखती है। आपने कभी भी इन गाड़ियों में बड़े बड़े चौड़े अलॉय व्हील या फिर ऊट पटांग टाइप की मॉडिफिकेशन नहीं देखी होंगी, क्योंकि एक परसेप्शन ही बना हुआ है जो इसमें बैठा होगा वो बिल्कुल VIP बंदा ही होगा। ठीक, सामने से लुक देखते हैं। कंप्लीट हेडलैम्प जो है इसका LED सेटअप में ही है। यहाँ हो गई अपनी ये इस तरह से 3 पॉइंट DRL जो कि अभी फ्लिकर करते दिख रहे हैं, और उसके साथ हाई बीम ये, लो बीम ये, कंप्लीट LED है। नीचे आ जाते हैं इंडिकेटर, वो भी LED में आपको दिया हुआ है। और उसके साथ साथ बात करें बीच की, तो बड़ी सी ग्रिल में आपको दिख जाती है डुअल स्लैट क्रोम के साथ बड़ा सा मारुति का लोगो। तो ये है कुछ ओवरऑल चौड़ाई की बात कर ले तो मिल जाती है इसमें मोटा मोटा 1845 mm की। बढ़िया लग रही है भाई, फ्रेम में एक में आ नहीं पाती है, जूम आउट करनी पड़ती है तब जाके दिखती है पूरी गाड़ी। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, क्या बात है, दूर से दिखानी होती है यार ये गाड़ी। लंबाई बहुत है इसकी, और कितनी है आप ये समझ लो, जो इस समय XUV या फिर उसके साथ हैरियर सफारी है ना, उनसे भी ज़्यादा लंबी, 4755 mm। अब 4755 mm कितनी है, तो भाई जो सफारी है इस समय काफ़ी लंबी दिखती है आपको, वही है 4670-4668 mm के करीब। तो फिर आप समझो कितनी लंबी गाड़ी है, और साइड में जब इसके आप खड़े होते हैं ना, आपको फील होता है। उसके साथ बात करें इसके व्हील बेस की, वो मिल रहा है आपको 2850 mm का, सेगमेंट में सबसे लंबा, जिस वजह से अंदर बिल्कुल राजा की तरह आपको लेग रूम मिल जाता है। वहीं बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो मिल रहा है आपको 185 mm का। ज़्यादा ऊंचा नहीं है भाई, लोग कहेंगे कि यार 150 cm तो कम है। इसी की वजह से इसकी जो राइड क्वालिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, बॉडी रोल ना के बराबर है इसमें। आ जाते हैं इसके एलॉय की तरफ, तो ये मिल रहा है आपको कुछ अलॉय व्हील। साइज़ की बात करें 215/60/R17। डिस्क ब्रेक आपको चारों के चारों व्हील में मिलती है। रीज़न है हाइब्रिड है यार, तो उसके साथ इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आपको मिलती है चारों व्हील में, डिस्क बड़ी। उसके साथ आ जाते हैं यहाँ पर, तो ORVM आपको ब्लिंकर के साथ मिल जाता है, और फोल्डिंग जो है वो भी बटन से होगी अपनी, उसके साथ एडजस्टमेंट जो है वो भी अपना बटन से हो जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें देख रहे हो आप, इसमें एक्सेसरी लगी हुई, जैसे अपना ये वाइजर हुआ, ऊपर रूफ रेल हुई, यहाँ पर ये क्रोम पार्ट हुआ, ये हो गया क्लैडिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ऊपर लगी हुई हैं और ये कहीं ना कहीं लुक को बढ़ा ही रही हैं। मस्त, और क्या चीज़ बची, और बी पिलर ब्लैक आउट है अपना। उसके साथ साथ आ जाते हैं फ्यूल फिलर कैप की तरफ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिल रही है आपको 53 लीटर की, 53 लीटर की। आपको इतनी बड़ी गाड़ी, और भाई कुल 53 लीटर की, तो यार इतनी बड़ी गाड़ी के साथ इसका माइलेज फिगर जब आप सुनोगे ना, आप खुद कहोगे भाई इतनी लंबी रेंज कैसे मिल रही है। 23 की कंपनी इसमें क्लेम करती है, और ऐसा नहीं है केवल क्लेम ही करती है भाई, इसमें लोग हाईवे पर 20-21 की भी ले रहे हैं माइलेज, जिसकी वजह से भाई 1000 किलोमीटर से ऊपर की आपको इसमें रेंज मिल जाती है। यही कमाल है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का जो इसमें आपको मिल जाती है। इंजन की जब बात करेंगे वो भी सारी चीज़ बताऊंगा। फिलहाल आ जाते हैं इसके कहाँ, पीछे की तरफ, तो ये देखो ये है कुछ रियर का लुक। बात करें सबसे पहले टेल लैम्प की, तो जिस तरह से आपको फ्रंट में इसके DRL दिखते हैं ना, 3 पॉइंट जलते हुए ऑलवेज ऑन मोड में, वैसे ही लैंप ऑन होते ही आपको ये जलते हुए दिखेंगे यहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर मिल जाता है आपको इस तरह से हैलोजन बल्ब इंडिकेटर में, और यहाँ पर हो गया अपना रिवर्स लैंप। इनविक्टो की बैजिंग यहाँ पर है, और उसके साथ हाइब्रिड की बैजिंग, कि भाई आप हाइब्रिड वाली पावर चला रहे हो, ताकत चला रहे हो, एफिशिएंट गाड़ी चला रहे हो। ठीक, यहाँ पर आ जाता है अपना कैमरा, सुजुकी लोगो, उसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है वाइपर। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, कि मतलब मैं टोयोटा वालों से कहूँगा, क्योंकि मारुति को जस्ट बैजिंग मिली है इसकी, यहाँ पर आपको कोई भी डिफॉगर नहीं मिल रहा, जबकि आप नेक्सा में कोई भी गाड़ी बिकती हुई देखो, जैसे ये देखो ये खड़ा है अपना बेस मॉडल सामने,
फ्रॉन्क्स का, आपको इसमें भी पीछे डिफॉगर मिल जाएंगे, वाइपर नहीं मिलेगा लेकिन डिफॉगर ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर टोयोटा वालों ने क्या ही सिस्टम बनाया है, यहाँ पर आपको डिफॉगर नहीं मिल रहा, वाइपर मिल रहा है। ऊपर अपने आ जाते हैं तो आपको मिल जाता है इस तरह से स्पॉयलर, जिसमें अपना हाई माउंट स्टॉप लैंप और साथ में वहाँ पर दिख रहा है अपना शार्फिन एंटीना। बात करें नीचे बम्पर का डिज़ाइन अच्छा सा लग रहा है, तो भाई ये एसेसरी का पार्ट है। ठीक, तो इस तरह से हो जाती है कम्प्लीट रियर लुक में गाड़ी। जीटा मॉडल है, बेस है, बाहर बाहर से तो हो ही गई लगभग लगभग, है ना। ठीक, मस्त। तो इस तरह से जीटा मॉडल है, कीमत है 24,82,000 रुपये एक्स शोरूम। मैं हूँ इस समय कहाँ, नेक्सा शोरूम हल्द्वानी में, यहाँ पर आपको पड़ रही है 28,82,000 रुपये की ऑन रोड। चलो अब चलते जरा इसके अंदर की तरफ, अंदर क्या क्या नज़ारे मिल रहे हैं। अरे टीटा बोल रही है, बच गई, देखो कितना क्लोज मामला है। सबसे पहले ट्रिम की बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले टीटा बंद कर दें इसकी। हाँ, ट्रिम की बात करेंगे, ये सॉफ्ट टच नहीं है। हाँ ये है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, बढ़िया शैंपेन जैसा बहुत लाइट गोल्ड कलर, अच्छा लग रहा है ना, ये देखो कॉम्बिनेशन। उसके बाद चारों के चारों पावर विंडो हैं, और हाँ भाई सारी ऑटो अप ऑटो डाउन मिल रही हैं आपको। ठीक है, उसके साथ ये हो गया यहाँ पर अपना विंडोज़ को लॉक करने के लिए, बाकी ड्राइवर के अलावा ये है फोल्ड करने के लिए मिरर को, साथ में एडजस्ट करने के लिए। ठीक, उसके साथ यहाँ पर बॉटल होल्डर और चौड़ी सी जगह, इसमें भी बॉटल ही बॉटल खड़ी हो जाएंगी। यहाँ पर ये हो गया अपना स्पीकर, 1, 2, 3, 4 चार स्पीकर हैं, साथ में दो आपको इसमें ट्विटर मिल जाते हैं। सीट की बात कर लेंगे यहाँ पर, तो सीट आपको देखने में यार बड़ी पतली पतली सी फील होती है, लेकिन जब इसके कंफर्ट की बात करोगे ना, तो लॉन्ग ड्राइव में मैंने ये काफ़ी ज़्यादा चलाई थी, दिल्ली में मीडियम ड्राइव थी, लेकिन यार बहुत कंफर्टेबल लग रही थी। अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया, जो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बोल्स्टर होते हैं वो इसमें नहीं दिए हुए, लेकिन बढ़िया आपको दे देती है कंफर्ट। चलो उसके साथ एयरबैग की बात करोगे तो इसमें आपको मिल जाते हैं 6 एयरबैग, 2 हैं अपने फ्रंट में, 2 हैं सीट के साइड में, और 2 हो गए अपने कर्टेन एयरबैग। ठीक हो गया, चलो अब एक बार इसमें बैठते हैं। और हाँ, सीट हाइट एडजस्टेबल है भाई, ये तो बता नहीं है। तो भाई इस तरह से मिलती है चाबी प्रीमियम सी, अब क्योंकि सिर्फ लोगों का ही डिफरेंस है, बाकी टोयोटा में जाओगे आईक्रॉस लोगे तो यही चाबी में टोयोटा का लोगो मिलेगा। 2 बटन मिलते हैं इस जगह, ये हो गया लॉक अनलॉक, बस सिंपल है, बाकी दोनों की आपको सेम ही मिलती हैं। यहाँ आ गए, ओ हो, इसमें बैठ के लगेगा आपको काफ़ी ज़्यादा, जो फ्लोर है ना इसका वो ऊंचा ऊंचा सा है। और अभी दिखाऊंगा जो अपना बैटरी है, क्योंकि हाइब्रिड है, एक बैटरी भी होगी, वो कहाँ लगी हुई है, जब पीछे चलेंगे तो बताऊँगा। चलो इसे करते हैं, ओ भाई साहब क्या बात, क्या हैवी डोर है यार। और ये मत कहना मैं ऐसे ही कह रहा हूँ भाई, ये टोयोटा की ही गाड़ी है, जो यहाँ की बैजिंग लगी हुई है मारुति की, वो है कमाल, वही है पूरा पूरा ज़बरदस्त मस्त बिल्ड क्वालिटी। ठीक है, बात करें एक बार सबसे पहले स्टेयरिंग की कर लेते हैं। हाँ बढ़िया, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग मिल रहा है आपको। अब एक बार बटन भी दबा देते हैं, कहाँ गया ये छुपा बैठा है यहाँ पर, ये हो गया एक बार। ठीक, और उसके बाद फिर से क्या बात है, बढ़िया टिकटॉक कर दिया हमने बंद। ये आपको मिल रहा है नॉट रेडी टू ड्राइव, अच्छा हमने पैडल नहीं दबाया ना इस वजह से, चलो कोई बात नहीं। ये आपको यहाँ पर मिल जाती है अपनी 7 इंच की स्क्रीन, जिसमें पूरा डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाता है। ये बाकी 2 सुइयां, ये अच्छी चीज़ है यार, सुइयां रहनी चाहिए, एनालॉग का फील थोड़ा सा टच मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देखो ये चार्जिंग का जो टैको मिलता है ना वैसे ही है। ऊपर जैसे आप रेस दोगे इंजन भी साथ में ऑन हो जाएगा इसका, क्योंकि इंजन के साथ मोटर लगी हुई है, तो यहाँ पावर पे आ जाएगी सुई। और जैसे ही अपना बैटरी के सपोर्ट पर चल रहा होगा तो ईको में रहेगा, और जब आप ब्रेक लोगे ना, ब्रेक दबाओगे तो रीजनरेटिव सिस्टम होगा, बैटरी चार्ज होने लगेगी ब्रेक से ही, तो ये चार्जिंग पे आ जाएगा, और जब बंद है तो ऑफ रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आपको देखिए सुई इस तरह से मिल जाती है, ये है अपना फ्यूल का लेवल, और उसके साथ ये है इंजन का टेम्परेचर। बीच में आ जाएंगे तो बीच में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, सबसे पहले स्पीड 200 की दी है। यहाँ पर आपको अलग अलग जो आपके सीट बेल्ट के पॉइंट है उनके लिए भी इंडिकेशन दिया है, मतलब हर सीट पर आपको ये पिंग 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 बज बज के बताएगा कि भाई लगा लो सीट बेल्ट। ठीक है, एक बार यार स्टार्ट तो हो ही गई लगभग लगभग, अपना एसी ऑन कर लेते हैं। कहाँ गया ये रहा, 1 और 2, हाँ क्या बात है, सही हो गया। हाँ फिर आते हैं यहाँ पर, तो भाई ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, इसको दबाते हैं। हाँ यहाँ से ओडो और ये ट्रिप की डिटेल, ट्रिप भी, और साथ में ब्राइटनेस क्लस्टर की, और उसके साथ दूसरी डंडी कोई नहीं दिए दबाने के लिए, बाकी उसके लिए दिए हैं बटन। और बटन यहाँ से चलेंगे अपने, ये देखो यहाँ से आप जैसे चेंज करोगे, यहाँ पर अभी ये दिखा रहा है बैक करने के लिए, बैक कर दिया हमने। हाँ ये आ गई बाकी की इन्फॉर्मेशन, ये देखो कितना 41 लीटर 100 किलोमीटर, अभी तो खड़ी खड़ी चली है बेचारी देखने को, तो ये दिखा रहा है। बाकी इस तरह से चीज़ें चेंज होती जाएंगी, इधर करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पर जब ईवी मोड पर, मतलब बैटरी ही सपोर्ट दे रही है, तो यहाँ पर ये ईवी जलता हुआ दिखेगा आपको। ठीक, ये हो गया उसके साथ। ठीक है यार, ये हो गया, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। चलो ये अलर्ट वगैरह होगा जो आए हैं, बाहर का टेम्परेचर भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। चलो
ये तो हो गई कहानी यहाँ की। उसके साथ साथ आपको दिख जाते हैं क्या पैडल शिफ्टर स्टेयरिंग में है ना मस्त। तो भाई पैडल शिफ्टर इसीलिए है कि भाई आपको बिल्कुल स्पोर्टी फील मिले, क्योंकि ये गाड़ी कैपेबिलिटी रखती है 9.5 सेकंड में 0 to 100 जाने के लिए। मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छा पिकअप है, इसीलिए वो पूरी फीलिंग आपको यहाँ पर ई सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आपके हाथों में ताकत मिल जाए, इसीलिए आपको यहाँ पर ये दी हुआ है प्लस माइनस ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाते हैं तो वाइपर जो कि मैनुअल है और रैप है पूरा का पूरा लेदर में। ठीक हो गई बातचीत। और क्या बचा, और यहाँ पर देखते हैं। हाँ यहाँ पर कोई बटन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको दी हुई है हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। क्या यहाँ पर है कि हाँ, अरे वाह स्विफ्ट के दिनों की याद दिला दी भाई। यहाँ पर आपको जो ग्लास होल्डर है वो दिया हुआ है, सीधा इसमें ग्लास रख लो और ठंडक यहाँ से मिलती रहेगी है ना भैया। पूरा आपको ये सॉफ्ट टच ही दिया हुआ है, नहीं ये प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच है। यहाँ पर ये जो स्टिचिंग दी हुई है ना यारी, ये भी हार्ड है। ये हुआ, ये हिस्सा हुआ, ये हुआ, ये सब कुछ सॉफ्ट टच है अपना। और क्या बचा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये आपको मिल रहा है म्यूजिक प्लेयर, कंपैरेटिवली जो ऊपर इससे आता है अल्फा प्लस उससे छोटा है। यहाँ पर ये 8 इंच का आपको मिल रहा है और इसमें आपको जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वो मिल जाते हैं दोनों के दोनों। और साथ में अपना वो होता है ना, देखो सैटेलाइट बनी हुई आ रही है ये, तो बिल्कुल इसमें टेलीमेटिक्स वाले भी फीचर है, मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेस करते रहो, बाकी इन्फॉर्मेशन लेते रहो। और उसके साथ ये यहाँ पर तमाम अलग अलग चीज़ें ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब वो वाला सीन है इसका, देखने में छोटा लगे और काम करे कंप्लीट ठीक वही चीज़ है। यहाँ पर आ जाते हैं उससे नीचे तो आपको मिल जाता है एसी के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक एसी है और केवल आगे आगे के लिए नहीं है, आगे के साथ पीछे वाले भी आपको यहीं पर ही कंट्रोल मिल जाता है। ये देखो रियर का, और साथ में अगर फ्रंट की बात करें रियर का भी इस समय ऑन हो गया होगा, इसको ऑफ कर देंगे और यहाँ से दोबारा करें तो ये फ्रंट वाला आ गया है ना सही। उसके साथ साथ आ जाते तो ये आपको लीवर दिया हुआ बड़ा सा, थोड़ा थोड़ा फील होता है जैसे रिड्स में आता था डैशबोर्ड माउंटेड, वो चीज़ है। ये आपको बटन दिया, इससे आप मोड चेंज कर सकते हो। देखो पैडल में दबाया और ये लग गया रिवर्स गियर टू करके ठीक है, ये ठीक हाइब्रिड स्टॉप और ये हो गया न्यूट्रल, उसके साथ ये हो गया ड्राइव मोड। ड्राइव मोड का इधर खिसकाएंगे लग गया स्पोर्ट मोड, और स्पोर्ट मोड अपने यहाँ पर ये पैडल शिफ्टर वगैरह चालू हो जाएंगे खटपट खटपट सही है। पार्क में लगा देते हैं दोबारा, साथ में कई बटन दिए हुए हैं आपको। पहला देखो पार्किंग, कोई लीवर वगैरह नहीं दिख रहा ना, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मिल जाती है। ऑटो होल्ड मिल जाता है, कहीं भी ट्रैफिक में आपने सिर्फ ब्रेक दबाई और दोबारा आप ब्रेक से पैर हटा लोगे तो गाड़ी ऐसा नहीं लुढ़कने लगेगी, वहीं पर लगी रहेगी। जैसे ही आप एक्सेलरेटर दोबारा दबाओगे तब गाड़ी का ये ब्रेक अपने आप हट जाएगी, ऑटो होल्ड फीचर है ये। ड्राइव मोड, इसमें आपको अलग अलग ड्राइव मोड मिल जाते हैं, देखो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, तो बिल्कुल पावर इको नॉर्मल इस तरह से चेंज हो जाएगा अंदर का, ये हो गया। बाकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको एनहेंस मिलेगी, थोड़ी रेंज कम हो जाएगी, माइलेज कम हो जाती है वही चीज़। बाकी उसके साथ ईवी मोड, सिर्फ ईवी मोड में सिर्फ बैटरी पर भी आप इसे चला सकते हो, सिर्फ बैटरी पर चलाओ, जैसे ही अपना बैटरी का जो वोल्टेज है वो डाउन होगी क्योंकि कंज्यूम होगी तो अपने आप ही जो मोटर है वो चल जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर हो गया अपना ट्रैक्शन कंट्रोल। चलो उसके नीचे यार इसमें चार्जिंग वार्जिंग का बहुत सिस्टम है, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पर हो गया अपना USB लगाने के लिए, अब इसमें कुछ भी ड्राइव वगैरह लगाओगे उसके लिए, साथ में यह टाइप सी चार्जिंग के लिए ठीक है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर देख रहे हो ये जगह, यहाँ पर अंदर ये चार्जर रखा हुआ है ये देखो ठीक, वायरलेस चार्जर हो गया। उसके साथ यहाँ पर भी 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ भी चार्जिंग कर लोगे। और उसके साथ नीचे आ जाता है तो ये है अपना स्पेस, कूल्ड है क्या, कूल्ड है क्या भाई, पर सामान बतेरा रखा है, नहीं कूल्ड नहीं दिख रहा ये ठीक है, इसको कर देते हैं अब अपने बंद। यहाँ पर आया था तो डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल दिया हुआ है, यार इतने बजट में यार बहुत देना चाहिए था ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको ठीक है लाइट के साथ मिल जाता है मिरर, माइक यहाँ पर है, उसके साथ यहाँ पर भी आपको मिरर मिल जा रहा है, किसके साथ, लैंप के साथ ठीक है। इसको किया बंद, यहाँ पर आया था तो इस तरह से लैंप मिल जाती है, अच्छा डोर मोड पे और इस पे, बाकी ये है, अरे इसमें LED करो ये अच्छा नहीं लग रहा ठीक। उसके साथ यहाँ पर आपको SOS का जैसे बताया टेलीमेटिक्स फीचर, वन टच में आपको हेल्प मिल जाएगी, असिस्टेंस मिल जाएगा। ओके रिपोर्ट हो गई, और क्या चीज़ बची, और तो कुछ आगे का हिस्सा लगभग अपना कॉकपिट कंप्लीट हो गया यार। इसमें बैठने का जो फील है ना बहुत बढ़िया है, काफ़ी ऊंचाई पे आप बैठते हो, और उसके साथ ऊंचाई पे बैठने के साथ साथ यार MPVs में जनरली जो इस तरह की लग्जरी है उसमें बोनट नहीं दिखता, लेकिन इसमें साइड ये उठी हुई है बोनट की, ये भी आपको दिखता है, देखो बहुत बढ़िया विजिबिलिटी है इस तरह से चारों तरफ
कमांडिंग पोजीशन। चलो क्या करें, हाँ ये तो रह गया अपना ना आर्म रेस्ट, इसको हमने उठाया अच्छा साइड वाइज है, ये आपको मिल जाता है इस तरह से बहुत सारा स्पेस। स्पेस ज़्यादा इसमें इसीलिए क्योंकि इसमें यहाँ पर एसीमेंट पीछे के लिए नहीं है, तो ये मत सोचो यहाँ पर नहीं है तो नहीं है, मैं साइड में दिया अभी दिखाता हूँ। चलो यहाँ से करते काम खत्म। और हाँ यहाँ पर आपको ये पीछे एक डैश कैम दिख रहा है, तो ये डैश कैम जो है वो एसेसरी में लगा हुआ है, ये इसके साथ नहीं आता स्टॉक कंडीशन में। ठीक, चलो अब क्या करें, एक बार इसको बंद ही कर देते हैं यहाँ से। हाँ ये बंद कर दिया, अब जरा निकलते हैं इसमें से। ये बड़ा ध्यान से, वो टकरा जाएगा नहीं तो। हाँ चलो इसको किया हमने बंद, तो डोर बड़ा हैवी है। अब आया रियर का, देख रहे हो कितना बड़ा डोर है, लंबाई बहुत है ना गाड़ी की, और इतना बड़ा डोर दिया भी इसीलिए। ये देखना अंदर निराई स्पेस, देखो तो भाई पूरा कमरा बना हुआ है ये। पहले यहाँ देखते हैं, सॉफ्ट टच पूरा का पूरा, साथ में ब्लाइंड, ये चीज़ अच्छी है भाई, जीटा मॉडल में भी दे रखे हैं आपको, होने चाहिए भाई, VIP लोग ले रहे हैं तो VIP वाली फीलिंग आएगी ना पूरी। उसके साथ यहाँ पर हो गया अपना पावर विंडो का बटन, उसके नीचे बॉटल होल्डर और तमाम होल्डर ही होल्डर है। यहाँ पर आ जाते सीट पर, तो सीट बिल्कुल वही कंफर्ट वाली कैप्टन सीट, जीटा में आपको आज़ादी मिलती है, आप चाहे 8-सीटर भी ले सकते हो। ठीक, क्योंकि कई इसको टैक्सी वैक्सी में चलाएंगे या बुकिंग में चलाएंगे तो उनको सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, उनके लिए ऑप्शन है। लेकिन जब VIP लोगों की बात आती है तो कैप्टन सीट ही चूज़ होती है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसको भी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे वहाँ पर भी कर सकते हो, और पूरी की पूरी वही फील है जो आगे वाली सीट में है। ठीक है, और क्या करें, और हाँ भाई आगे पीछे इतनी ज़्यादा हो गई, अभी देखो पीछे भी इतना सारा स्पेस है यहाँ पर। ठीक, और उसके साथ आगे भी, अब देखो बैठ के दिखाता हूँ मैं ये। हाँ ये आपको मिल रहा है पूरा स्पेस, कितनी ज़्यादा जगह है, और इतनी ज़्यादा देनी भी थी क्योंकि भाई इसमें सीट के नीचे ऐसे पैर नहीं जाते। कारण है ये यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ बैटरी पैक रखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि हाइब्रिड का बैटरी पैक कहाँ है, तो भाई वो यहाँ पर है सीट के नीचे पूरा का पूरा, वहाँ से यहाँ तक। अब अगर सीट आगे होती तो भाई पैर की जगह कम होती, इसीलिए लेग रूम नी रूम बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको, और पैर रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर आ जाता है तो आपको ये दिया हुआ है इस तरह से कंट्रोल, किसके, जो रियर एसी है उसके लिए, आप आगे से भी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। पीछे का जो टेम्परेचर है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर नीचे आपको दो दो दिए हुए हैं USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और साथ में अच्छा 4 kg का हुक भी दिया हुआ है यहाँ पर, बढ़िया। और क्या चीज़ बची, जो एसी वेंट में बता रहा था यहाँ पर नहीं है, तो वही यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ये रे लैंप अपने। ठीक, और साथ में ये आपको लाइट दी हुई अच्छी लगती है शाम के समय जलती हुई, बढ़िया है ना। और उसके साथ आर्म रेस्ट, देखो पूरा जो कंफर्ट आगे मिलना था ना इस आर्म रेस्ट के साथ, वही आपको यहाँ पर मिल जाता है ये। ठीक है, इसको ऊपर कर सकते हो, और साथ में अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको आप उठा के ये भाई कुछ भी खा पी सकते हैं यहाँ पर। यहाँ ग्लास होल्डर हो गया, ये देखो इस तरह से ग्रिप कर लेगा आपके कप को, और उसके साथ साथ चाहो नहीं है मन तो पीछे जाना है किसी को, तो यहीं से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो। और अगर पीछे की तरफ जाएं, यहीं से चलें क्या, चलो यार यहीं से चलते हैं अपने, जैसा बता रहे हैं तो वही करके दिखाए ना। यहाँ से अपने गए पीछे की तरफ, और पीछे जरा बैठ के देखते हैं ये। हाँ वैसे आप यहाँ से भी जा सकते हो, सीट को आगे करो ऐसे करके चढ़ जाओ, लेकिन बीच में जो है कैप्टन सीट है तो यहाँ से भी आ सकते हो ये। अरे वाह यार पीछे की सीट बड़ी कंफर्टेबल है, ये देखो ये कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है हवा में पैर उठ रहा है, ये देखो है ना अच्छी खासी कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी सही है ये। अब इतना मेरे को कंफर्ट मिल चुका है पीछे, बढ़िया नी रूम लेग रूम यार इतनी ज़्यादा स्पेस मैं देख रहा हूँ किसी का। अब लंबाई इतनी है ना, व्हील बेस इतना है, तो आपको वो चीज़ में फील भी हो रही है, क्या बात है। यहाँ पर आपको ये मिल गया, ये अपने ग्लास होल्डर हो गए, और यहाँ पर भी हो गया बढ़िया, और उसके साथ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वो मिल गई है, मतलब पीछे 3 लोगों की जगह है तो ऐसा नहीं है, साइड साइड वाले ही सीट बेल्ट लगाएंगे, ये भी आपको मिल जाता है, बीच में जो बैठेगा उसके लिए भी सीट बेल्ट है ना, सही चीज़। चलो अब क्या करें, अब जरा यहाँ से उतरेंगे ये, यहाँ से ये देखो कितनी जगह हो गई, और यहाँ पैर रखने के लिए अलग से जगह दी हुई है आपको, बढ़िया है ना मस्त। चलो अब उतरते हैं जरा यहाँ से, और हाँ ये ईजीली मस्त हो गया। और पीछे की जो दोनों सीटें वो 50-50 अभी दिखाता हूँ वो भी ये। चलो इसको किया हमने बंद, अब आते हैं यहाँ पर। हाँ ये मिल रहा है आपको यहाँ पर बूट स्पेस, देखो प्रैक्टिकलिटी,
सात बंदे अगर बैठ रहे हैं सामान कहाँ जाएगा, सिर पे नहीं लादना भाई, प्रीमियम गाड़ी है। यहाँ पर आपको 239 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। चाहो अगर आप देखोगे कि यार ऊंचा बैग है तो आप इसको यहाँ पर रिक्लाइन को चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, देखो पूरा खड़ा खड़ा बैग आ जाएगा, है ना, बढ़िया। और उसके साथ आपको यहाँ पर ये देख रहे हो छेद से दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सीट को फोल्ड करना है इसका, ये जो हेडरेस्ट है अपना ये निकाल के आप यहाँ पर लगा सकते हो ये, और ये अपना यहाँ पर फिट हो गया, है ना, सही। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिया हुआ है बढ़िया तरह से। भाई टोयोटा की गाड़ियों में जो बड़ी गाड़ी है उनमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखें नीचे झाँक के, अच्छा एक और स्पेस है, और उससे नीचे आपको मिल जाता है वहाँ पर जगह अपना जो स्पेयर व्हील है उसको एक्सेस करने के लिए, जो कि नीचे इस तरह से लटक रहा है, ठीक है। चलो इसको करते हैं अपने बंद। अब क्या करें, अब करते हैं इंजन के दर्शन। ये भाई साहब बहुत ऊंचा है यार, मैं उठाऊंगा कैसे इसे, हैवी बहुत है। और गजब भाई भारी भरकम बोनेट के नीचे ये मिल रहा है आपको यहाँ पर पूरा तामझाम। तामझाम मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अलग, जैसे कन्वेंशनल इंजन होते हैं उस तरह का सेटअप नहीं है, बिल्कुल अलग है, देख रहे हो। तो ये मिल रहा है आपको यहाँ पर 2000 सीसी का इंजन, सिर्फ इंजन ही ताकत नहीं देता, साथ में जो मोटर लगी हुई है जो कि फिट है अपने ट्रांसमिशन से डायरेक्टली, वो भी साथ में इसको ताकत देती है। तो कंप्लीट जो अगर आउटपुट की बात करें वो मिल जाता है आपको लगभग 188 bhp का, 188 bhp, और वहीं टॉर्क की बात करें मिलता आपको 206 Nm का। यही चीज़ें है, यही पावर है जो इसको 9.5 सेकंड में पहुँचा देती हैं 0 to 100, है बढ़िया। और बाकी देखो यार भाई, देख रहा सेटअप पूरा ABS CVT सिस्टम वहाँ दिया हुआ है भाई साहब, हमारा तो खड़े होकर हाथ भी नहीं पहुँचेगा, इतना लंबा आपको पूरा का पूरा इंजन भी दिया हुआ है, सही है। चलो इसको करते बंद है, मस्त। माइलेज आती है तो माइलेज की मैंने आपको पहले ही बता दी भाई, 23 का देती है, और वेट भी अच्छा खासा है यार इसका, 1650 किलो वजन है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक सेफ फीलिंग और स्टेबल फीलिंग आपको हाई स्पीड पर भी देता है। तो ये थी अपने पास मारुति सुजुकी इनविक्टो, या ये कह दें हम जो इनोवा हाई क्रॉस इन डिस्गाइज, बिल्कुल बस लोगो ही चेंज है, बाकी कोई चीज़ नहीं, बेस मॉडल था उसका। ये कीमत है 24,82,000 रुपये एक शोरूम, और मैं हूँ इस समय कहाँ, मारुति का शोरूम है नेक्सा यहाँ पर हल्द्वानी में, आपको पड़ रही है 28,82,000 रुपये की ऑन रोड। गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर, आपको गाड़ी अच्छी लगी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त का, सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद।